हाय फ्रेंड्स, मैं सलीम नसीम मुटावर साहब बनारस। फ्रेंड्स, आज मैं ये इनोवा अपने बहुत ही करीबी मित्र की है जो एक जगह फंस गए थे। अभी मैं इसको चेक किया तो वहाँ के मिस्त्रियों ने काफ़ी खर्च बताया था। हमने इसको अभी चेक किया तो इसमें पता चला है इसका फ्यूल पंप लो हो गया है, जिसके कारण ये राउंड ले रहा है। तो फ्रेंड, अब मैं इसका फ्यूल पंप खोल रहा हूँ। आइए मैं इसका लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसका टाइमिंग, ये देखिए टाइमिंग बेल्ट छटका दिया है और इसको टाइमिंग पे कर दिया। मैंने अपनी वीडियो में बताया था इसकी टाइमिंग, देखिए पंप की ये आपकी हेड की टाइमिंग है केम की, और इंजन की टाइमिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी इंजन पुल्ली पे होती है, वो देखिए निशान देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लॉक होता है। और ये देखिए यहाँ पे इसका पंप का टाइमिंग होता है। पंप की टाइमिंग अगर नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इंजन पुल्ली और केम की टाइमिंग को बराबर रख के ही पंप खोलना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका पंप खोलेंगे और दूसरा पंप रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसका पंप अब खोल के आपको दिखाते हैं, फिर मैं आपको स्टार्ट करके गाड़ी दिखाऊंगा। गाड़ी में दिक्कत एक्चुअली ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम इसका देखिए पंप निकालेंगे। पंप निकालो। अब हम इसका पंप निकालेंगे बाहर। अब इसका थोड़ा टाइट होता है तो मुझे ये देखिए ये इसका पंप निकल रहा है बाहर। बस ये देखिए इसका पंप है। इसका पंप का लोकेशन है, देखिए पंप मैंने निकाल दिया। फ्रेंड्स, अब हम इसका पंप देखिए बाहर निकालेंगे। हमने इसका पंप खोल लिया है। ये देखिए इसका पंप है। फ्रेंड्स, ये इसका पंप। अब हम फ्रेंड्स इसके जगह ये पंप दूसरा लगाएंगे। ये देखिए ये पंप ख़राब हो चुका है, हम इसको पंप वहाँ रिप्लेस करेंगे फिर कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स अब देखिए हमने इसका पंप बैठा दिया है। अब हम इसका नट लगाएंगे। ये इसका 19 नंबर का देखिए नट होता है, ये यहाँ लगता है आपका। ये देखिए ये नट फंस गया। और दो 12 नंबर के नट होते हैं, उसको हम आपको दिखाते हैं उसका लोकेशन। एक नट फ्रेंड्स देखिए आपका यह लगता है पंप का नट, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक नट का लोकेशन देखिए, एक नट यह है आपका 12 नंबर, मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स एक नट यह लगा हुआ है 12 नंबर, और एक नट आपका यह पीछे लगेगा 12 नंबर का। देखिए वो पीछे 12 नंबर वो दिख रहा है आपको, ये लगेगा। अब हम इसको कसेंगे। अब देखिए हम इसका टाइमिंग बेल्ट चढ़ा रहे हैं। इसके टाइमिंग बेल्ट चढ़ाने के लिए पहले इसको एडजस्टर को पुश करना रहता है, जिसके कारण वो मक्खी देख रहे हैं नीचे जाके बैठ जाएगा। ये मक्खी आपको दिखाते हैं, ये मक्खी देखिए ये नीचे आगे दम सड़े आएगा। फिर इसके बाद ये बेल्ट चढ़ाएंगे हम। अब इसको ये देखिए हमने इसको टाइमिंग बेल्ट चढ़ा दिया है। अब इसको हम कुछ छोड़ो, ये देखिए एडजस्टर, अब हम छोड़ेंगे इसको। ये एडजस्टर है, ये एडजस्टर देखिए टाइट हो गया।
फ्रेंड्स, ये हमारा बेल्ट हो गया ओके। ये देखिए टाइट है पूरा। अब हम इसको, ये देखिए टाइमिंग पे है हमारा, ये नीचे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे टाइमिंग दी हुई है, वो क्रैंक के टाइम पुल्ली कटी होती है, मैं आपको गौर से दिखाता हूँ। और ये हमारी चाबी देखिए खड़ी है इधर। अब हम इसको इंजन घुमाएंगे फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने देखिए गाड़ी कंप्लीट कर दिया है, पंप लगा दिया, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग अब सही हो गई। पहले बहुत ही राउंड ले रही थी और पेट्रोल चुमाने पे गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। बंद कर बेटा, स्टार्ट करो। देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी स्टार्टिंग सही है, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं सलीम, मोटर वर्कशॉप बनारस इंडिया।